डोर टू डोर सब्जी पहुंचाने की व्यवस्था लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी लागू रहेगी। इस संबंध में मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव ने बताया कि होम डिलीवरी की व्यवस्था जारी रहेगी और सब्जियों का रेट भी नियंत्रित रहेगा। अगर कहीं से भी कोई ओवर रेटिंग की शिकायत आती है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और आगे भी कहीं से भी कोई शिकायत आती है तो उसका पास रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फल सब्जी एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राइन और मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव ने कहा, मेरा नाम फिरोज अहमद राइन, महामंत्री फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन गोरखपुर। डोर टू डोर हरी सब्जियां जो हमारे वहां से जा रही है और फल जिसमें लदा हुआ है वो निरंतर जारी रहेगा। जब तक लॉकडाउन रहे तब तक निरंतर जारी रहेगा। सारे वार्डों में डोर टू डोर हमारे जो वॉलेंटियर है सब्जी बेचने के, वो सारे वार्डों में डोर टू डोर दे रहे हैं। सर, अगर कहीं ओवर रेटिंग की शिकायत आती है तो इससे क्या कार्रवाई की? ओवर रेटिंग की शिकायत आएगी तो माननीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय साहब के नंबर पर वो शिकायत किया करें। जिससे वह रेटिंग हो रहा उस गाड़ियों के, उस वॉलेंटियर के खिलाफ जो हरी सब्जी फल वगैरह जो बेच रहा उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी। अंकुश श्रीवास्तव, मंडी इंस्पेक्टर। डोर टू डोर डिलीवरी जो है वो जारी रहेगी और कोशिश यही होगी कि रेट भी नियंत्रित रहे। यदि इस संबंध में पिछली कुछ दिनों में एक आध दिन शिकायतें आई थी जिस पर कार्रवाई हुई है, यदि ऐसी शिकायतें आएंगी तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होती रहेगी जी। अगर सर कहीं ओवर रेटिंग की शिकायत आती तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से जो है उनका जो है पास निरस्त करते हुए उनके खिलाफ मामले को जो है दर्ज भी किया जाएगा और पुलिस कार्रवाई भी होगी।